हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी करियर। एकेडमी करियर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ टैली ईआरपी 9 का जो आपका कोर्स चल रहा है उसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए टैली अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो। ओके, तो चलिए आगे हम बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा वीडियोस को। ओके, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। नोटिफिकेशन अगर आप प्रेस करेंगे और यहाँ पे पूरा कोर्स आपको टैली का कराया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टैली ईआरपी 9 क्वालिफिकेशन फॉर टैली ईआरपी 9। अब स्टूडेंट्स के मन में आता है कि क्या टैली जो कोर्स है वो सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। आर्ट्स स्टूडेंट्स हो गए, चाहे कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो गए या साइंस स्टूडेंट्स हो गए, तो क्या वो टैली नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आर्ट्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स कैन लर्न टैली, टैली सीख सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटिंग स्टूडेंट्स कैन लर्न टैली, कंप्यूटर ऑपरेटिंग वाले भी स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? टैली को सीख सकते हैं। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स टैली को सीख सकते हैं। बस ये है, कॉमर्स स्टूडेंट्स जो रहते हैं उनका जो बेसिक नॉलेज रहता है अकाउंट्स का, उनको रहता है बेसिक नॉलेज, तो उन्हें इतनी दिक्कत नहीं होती है टैली सीखने में। थोड़ा सा हमको आर्ट्स स्टूडेंट्स को थोड़ा सा हमें अच्छे से उसको टैली को सीखना पड़ता है। ओके, तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं। क्वालिफिकेशन फॉर टैली ईआरपी 12th आफ्टर यू कैन ज्वाइन द टैली ईआरपी 9। 12th है अगर आपका तो आप क्या कर सकते हो? टैली को ज्वाइन कर सकते हो। 10th है अगर आपका तो भी आप टैली को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, ये चीजें आपको क्लियर हो गई कि 10th है और 12th है तो हम क्या कर सकते हैं? टैली को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, जो स्टूडेंट्स कॉमर्स स्टूडेंट्स तो है ही पर उनका आर्ट साइड है, तो उनके लिए और या सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या होना चाहिए? कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं जो वो तो टैली अच्छे से कर ही सकते हैं, पर और स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए गुड कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की कमांड्स। देखिए, जब भी आप टैली पे वर्क करोगे, आप सीख लोगे, जॉब के लिए जाओगे, तो टाइपिंग स्पीड आपका अच्छा होना चाहिए, शॉर्टकट कमांड्स अच्छी होनी चाहिए, जिससे आप का टैली जो है मोस्टली शॉर्टकट्स के ही वे पे वर्क होता है, शॉर्टकट की ही मोस्टली होती है, उसमें टाइपिंग तो करते ही हो, तो वही है शॉर्टकट कीज हमें अच्छे से कमांड उस पर अच्छी होनी चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज हमें अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश ग्रामर स्पेलिंग प्रॉपरली, इंग्लिश ग्रामर की स्पेलिंग का प्रॉपर हमें नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम कुछ बिल्स वगैरह में कुछ कलर स्पेलिंग लिख देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर हम कहीं जॉब करते हैं तो हम ये चीजों की हमारी कमांड अच्छी होनी चाहिए। जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हो गए, चाहे कोई भी साइट्स के बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स हो गए, इन सब पे हमारी कमांड्स क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे आपका बेस्ट पार्ट ऑफ योर लर्निंग स्किल। अब देखिए, ये हो जाता है ना कि कॉमर्स स्टूडेंट्स तो कर ही लेते हैं टैली को। ओके, लेकिन जो आर्ट्स स्टूडेंट्स है तो उनको लर्निंग स्किल अपना अच्छा करना पड़ता है, अच्छे से टैली को सीखना पड़ता है, तो वो भी एक अकाउंटेंट बन सकते हैं, अकाउंटेंट की जॉब कर सकते हैं अगर वो अपना साइट चेंज करना चाहते हैं बैक। ओके, तो वही है, हमें ऐसा नहीं है कि हम टैली नहीं सीख सकते, सभी स्टूडेंट्स को टैली सीख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये चीजें क्लियर कर दिया क्वालिफिकेशंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आगे मैं आपको और भी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का एक फॉर्म फिल करना होगा जो आपका डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। तो डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म आपको दे रखा है वहां पे जाके आप विजिट करिएगा, उसको फिल करिएगा, तो मेल आईडी पे मेरी आपकी जो भी डाउट्स एंड क्यूरीज होगी वो मुझे मिल जाएगी, चाहे कोई लेटेस्ट आपका कोर्स आपको स्टार्ट कराना हो, कोई भी डाउट। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।